पास पेपर को रीड करके छोड़ देता हूँ और मैं इनवाइट करता हूँ कि आप लोग इसको सॉल्व करें। इसके ये किसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि यार मैं चाहता हूँ कि आप लोग गलती करें, तो गलती करेंगे जब मैं बताऊंगा ना, तो इट वुड बी फार बेटर कि मैं पहले तो सोल्यूशन के हिंट दे दूँ और आप उसी तरह सॉल्व कर लें, कि जब नए एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपका जो माइंड प्रोसेस है, जो थॉट प्रोसेस है, वो चले ही ना, वो क्यों ना चल सके, क्योंकि आपने कभी यूज ही नहीं किया। मैं अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता दूँ तो फिर आप क्या जाएंगे, छाप के आ जाएंगे, आप बोलेंगे बाबा हर सवाल हो रहा है हमसे। जब इसी तरह क्वेश्चन नया आएगा एग्जाम में तो आपसे होगा ही नहीं। तो मेरे बच्चों, जो वजह है इसकी वो ये है रीड करके छोड़ने की, कि आप लोगों को यू शुड नो हाउ टू, जो मेरा स्टेप थे, मेरे स्टेप क्या थे, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, मेरे स्टेप्स क्या थे, सवाल देखो, पूरी बुक याद करके चले जाओ, अगर पेपर ही सॉल्व ना कर सके तो फायदा नहीं ना उस पूरी बुक याद करने का। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, फिर क्या था क्वेश्चन केयरफुली, मतलब क्वेश्चन पूरा कर, उसकी रिक्वायरमेंट, मतलब बेसिकली इसका मतलब वो रिक्वायरमेंट, कि रिक्वायरमेंट क्या है और क्वेश्चन क्या है, दोनों चीजें, मतलब या इसको ब्रेक कर देते हैं, क्वेश्चन केयरफुली, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, यूं कर लो, ब्रेक कर दिया मैंने इसको, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, ये सबसे मेन चीज है, सबसे मेन चीज अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, पूछ क्या रहा है, सिर्फ वही लिख के आना है, छाप के नहीं आना पूरे पूरे सेक्शन। तीसरा क्या था, माइंड स्केच, माइंड स्केच मतलब हाउ टू सॉल्व। किस तरह होगा सॉल्व। चौथा क्या है, ड्राफ्टिंग। मैं सबसे कम वेटेज इसको देता हूं ड्राफ्टिंग को। यही तीन मेन चीजें हैं, ये तीन आपने कर दी, ये तो कुछ भी नहीं है यार, ड्राफ्टिंग तो सिर्फ छापना ही तो है, यहां से निकाल के यहां डालना है। तो अगर मैं आपको ये चीज बता दूंगा तो ये तीनों चीजें आप लोगों की सोचने की सलाहियत ही खत्म हो जाएंगी। अगर मैंने आपको ये तीन चीजें बता दी, ये चीज बता दी ड्राफ्टिंग, ये तीन चीज आप कर ही सकोगे, जब ये तीन चीज नहीं कर सकोगे तो आप पेपर सॉल्व नहीं कर सकोगे, समझे। तो इसी वजह से मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, नेक्स्ट क्लास से पहले सॉल्व करके आइएगा। कलाम लिमिटेड इज कंसीडरिंग द फॉलोइंग ऑप्शंस टू इन्वेस्ट इट्स एक्सेस फंड, ज्यादा पैसा उसके पास पड़ा हुआ है, वो सोचा कि इन्वेस्ट करूं, दो ऑप्शन उसने बताए, अक्वायर 8% शेयर्स इन लाइटर इन LOL फॉर ₹120 मिलियन। LOL is a growing company and is expected to fetch higher returns in future. LOL एक कंपनी, उसके अंदर कह रहा 8%, अच्छा 8% शेयर ले ले, अच्छा क्या ये एसोसिएट हो जाएगी इसकी, क्या ये एसोसिएट हो जाएगी इसकी, नहीं होगी, क्यों, 8% है। दूसरा ऑप्शन क्या है, इसकी कह रहा लोन ग्रांट कर दो किसको, 100 मिलियन का, मॉनसून प्राइवेट लिमिटेड को, फॉर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, लोन विद कैरी इंटरेस्ट एट द रेट प्रिवेलिंग इन द मार्केट, KL currently hold 25% of the paid-up capital. क्या ये associate है? बिल्कुल है, greater than 20% है. Under the provision of the Companies Act, specify the conditions which KL must fulfill before opting for any of the above investment option. दोबारा पढ़ो. Specify the conditions. देखो requirement में ये वाला part. Understand the requirement. Specify the condition. कंडीशन बता दो किस चीज की, विच केएल मस्ट फुलफिल, केएल को फुलफिल करना हो, बिफोर ऑप्टिंग फॉर एनी ऑफ द अबव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा उसका बता दें कि क्या, दोनों के अंदर बता दें कि इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट होंगी, इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट होगी, अब सॉल्व करिएगा इसको। ऑटम 2018 ऑन 8 सितंबर 2018 द डायरेक्टर्स ऑफ अशांति लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी डिक्लेयर्ड एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर। इंटरिम डिविडेंड दिया है, सही है, इंटरिम डिविडेंड याद है ना, जो बुक क्लोजर के साथ होता था, बगैर बुक क्लोजर के, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग डिक्लेरेशन होती थी, डेट ऑफ डिक्लेरेशन। अनाउंस बुक क्लोजर, यहाँ क्या हो रहा है, बुक क्लोजर के साथ हो रहा है, 28 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक बुक क्लोजर है, ये कमेंसमेंट डेट है, ये एंड डेट है। अच्छा, बोर्ड डेज इंक्लूसिव, मतलब 28 भी शामिल है, 3rd भी शामिल है। अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट डिस्क्राइब व्हेन एएल शुड पे द अबव डिविडेंड, ऑल्सो स्टेट एनी 4 सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच एएल मे नॉट बी कंसीडर्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द डिविडेंड। ये जो स्टेट है, 4 आप लिख देंगे नॉन पेमेंट ऑफ द डिविडेंड, वो लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ और ये और वो जो सारी आ गई। अच्छा, यहाँ है सारा कि आपको क्वेश्चन को पिक करना था, डिस्क्राइब व्हेन एएल शुड पे द डिविडेंड,
क्या हो गया, ये एसोसिएट हो गई। देखो जब इस तरह की लाइन, देखो पहले लाइन पढ़ो और पिक करोगे क्या हो रहा है, आगे पढ़ो नहीं, दीवार में माइंड स्केच। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, ओन क्या कर रही है, 30% शेयर इन जुम्मा प्राइवेट लिमिटेड इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जेपीएल हैज आस्क्ड फॉर अ लोन ऑफ ₹1 मिलियन फ्रॉम केएल अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी ऑर्डिनेंस 1980 कंपनी ऑर्डिनेंस एंड कंपनी एक्ट है। दिस डिस्क्राइब व्हिच आर रिक्वायर्ड कंडीशन व्हिच आर रिक्वायर्ड टू मेट इफ केएल अग्रीज टू ग्रांट द लोन। हो जाएगा, कर लेंगे, वाले से थोड़ा मिलता जुलता ही है। अच्छा जी, स्प्रिंग 2017 टू कंपनीज में भी रिगार्डिंग नहीं आ रही, बड़ा यूनिक नेचर का सवाल है, मजेदार सवाल है, उसने कोई डेफिनेशन छापी है। टू कंपनीज में भी रिगार्डिंग एसोसिएट ऑफिसर योर पर्सन हु इज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और होल्डर ऑफ शेयर्स कैरिंग वोटिंग पावर 20% और मोर इन दैट कंपनी is also the director of or holder of the shares carrying voting power of 20% or more in another company under the provisions of the company's ordinance 1984 briefly describe the circumstances under which the above relationship may not qualify the companies to be regarded as associated company. usne kaha ek ek banda do jagahon pe director hai, bahut acha sawal hai, main expect karta hu ki aap log isko pick kare, pick kar liya to 2 minute ka jawab hai iska, pick nahi kar rahe to dhoondte rahoge pure notes mein kya likha hua hai, milega hi nahi। तो कह रहा है वो कंडीशन बता दो जहां ये वाला रिलेशनशिप जो होगा ना उसमें एसोसिएटेड कंपनी ट्रीट ही नहीं की जाएगी। द डायरेक्टर ऑफ जीएल अ लिस्टेड कंपनी हैव रिकमेंडेड डिविडेंड इक्वल टू 40% ऑफ जीएल अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। हाउएवर इन एनुअल जनरल मीटिंग द शेयर होल्डर डिमांडेड दैट 60% ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। डिविडेंड का होता क्या था, शेयर होल्डर रिकमेंड कर, सॉरी डायरेक्टर्स रिकमेंड करते थे, शेयर होल्डर अप्रूव करते थे और उसमें कहता नो डिविडेंड अप्रूव या डिक्लेयर शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट रिकमेंडेड बाय द डायरेक्टर्स। यहाँ वो कह रहा है 40% उन्होंने रिकमेंड किया, शेयर होल्डर बोल रहे हैं 60% बांटो। अंडर द प्रोविजन एक्ट एक्सप्लेन द फॉलोइंग, कह रहा भाई फॉलोइंग चीजें, ये चीजें बता दो, वेदर द शेयर होल्डर्स आर जस्टिफाइड इन द डिमांड नंबर वन, whether the director's recommendation is appropriate if 70% of the undistributed profit comprise of the unrealized gain on investment property। acha sawal hai, kariyega isko, wo keh raha hai ki 40% agar 40% wo log keh rahe recommend kar rahe hain, agar 70% aapka profit ke andar unrealized profit on investment property to kya directors ka 40% dena jaiz hai as per company law। acha consequences, kya consequences ki cheez ke, if directors fail to pay the dividend within the stipulated time, ye jo simple sa hai aakhri wala। स्प्रिंग 2016 आईएल ओन 51% वोटिंग शेयर्स इन एसएल एंड 52% इन एफएल। एसएसएल इंटेंड्स टू मेक एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹200 मिलियन इन एफएपीएल। एफपीएल दोनों क्या है इसकी, दोनों सब्सिडरी हैं। क्यों 50% ज्यादा शेयर्स हैं, वोटिंग शेयर्स लिख दिया इसने। अच्छा सब्सिडरी है तो सब्सिडरी को उसने कहाँ शामिल किया है, एसोसिएटेड कंपनी के डेफिनेशन में शामिल किया है इन्वेस्टमेंट के तौर पे। अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी में, एसोसिएटेड की डेफिनेशन है, उसमें सब्सिडरी भी शामिल की है। अच्छा फिर क्या पूछ रहा है, अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट स्टेट द टाइप ऑफ रिलेशनशिप इफ एनी व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन एसएसएल एंड एफएफपीएल। क्या रिलेशनशिप है यार एसएसएल और एफपीएल का, ये अजय आप खुद करेंगे। देखो सब्सिडरी है वो आईएल की, देखो आईएल की सब्सिडरी है, देखो एक मिनट, आईएल आ गया और ये क्या एसएसएल एफपीएल, इसकी यहाँ पे इसने 51 है, यहाँ पे 52% है, ये दोनों ये इसकी सब्सिडरी है, आईएल की ये सब्सिडरी है, आईएल की ये सब्सिडरी। वो ये नहीं पूछा, बोला इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। अच्छा डिस्क्राइब द कंडीशन व्हिच एसएसएल मस्ट फुलफिल बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट इन एफपीएल। सिंपल है, पहले के ऊपर भी जवाब दिया गया, बोला भाई कोई भी कंडीशन जो है आपकी बता दो क्या फुलफिल होनी चाहिए, आपने पूरा अच्छे तरीके से इसकी ड्राफ्टिंग करनी है, स्टेप वाइज बताना है।
ऐसा नहीं कि सबसे आखिरी चीज सबसे पहले बता दें, पहली चीज बाद में बता दें, ऐसा नहीं करना। फिर क्या कह रहा है, कंपनी एक्ट रिक्वायर्स दैट ऑल द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी मस्ट बी मेड एंड हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी इटसेल्फ नॉट इन समवन एल्स नेम स्टेट द एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल। ये तो बड़ा सिंपल सा पूछा, इसको सॉल्व ना करें भले से चाहे तो टाइम अगर कम है, स्टेट इसने पूछ लिया तो मैं तो बाकी सवालों को प्रायोरिटी दीजिएगा। यही जहाँ से ये पूछा यहाँ से एक टेक्निकल सवाल भी बन सकता है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कोई नॉमिनी डायरेक्टर हो और ये हो वो वाले, वहाँ से एक अच्छा सवाल भी उठा के बना सकता है। ये दोस्तों सिंपल पूछा है, मैं सवाल ले रहा हूँ मेरे बच्चों सबके सवाल ले रहा हूँ, मुझे मुझे 5 मिनट दे दो, मैं सवाल रीड कर दूँ सारे फिर मैं ले रहा हूँ। ऑटम 2015 और 31 जुलाई 2015 द डायरेक्टर ऑफ सीईएल लिस्टेड कंपनी डिक्लेयर्ड एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर। इंटरिम डिविडेंड की बात आ रही है तो फौरन आपके ध्यान में क्लिक कर देना चाहिए डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन की दो तरह से होती है, या तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर होगा अगर बुक क्लोजर के साथ की है, अगर बुक क्लोजर नहीं है तो कब होगा, डेट ऑफ अप्रूवल बाय डायरेक्टर्स। अच्छा वो क्या कह रहा है, आवर बिफोर मेकिंग पेमेंट ऑफ द डिविडेंड द कंपनी सफर्ड ह्यूज लॉसेस ड्यू टू अ मैसिव फायर इन द फैक्ट्री। पेमेंट ऑफ डिविडेंड से पहले फैक्ट्री में आग लग गई, लॉसेस हो गए। सीएफओ हैज इन्फॉर्म्ड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अबाउट सीईएल इनएबिलिटी टू पे द डिविडेंड। सीएफओ बता रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि भाई हम डिविडेंड नहीं दे सकते, डिक्लेयर भी हो गया डिविडेंड नहीं दे सकते, लेकिन अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट डीपली डिस्क्राइब एंड एन इंटरिम डिविडेंड इज डीम्ड टू हैव बीन डिक्लेयर्ड। कब डिक्लेयर होता है, इसमें आप एक इसमें आप दोनों केसेस चाहे तो इसमें आप दोनों केसेस लिख दें, विद बुक क्लोजर भी लिख दें विदाउट बुक क्लोजर भी लिख दें। बल्कि नहीं इसमें इसने बोला सीएल, सीएल के लिए कब होगा, तो सीएल का बुक क्लोजर कोई सी कर नहीं है इसके अंदर, तो विदाउट बुक क्लोजर की बात करेंगे आप। अगर जनरल पूछते तो दोनों लिखते हैं। Consequences of non payment of dividend within the stipulated time. Consequences क्या हो सकते हैं non payment of dividend के, आप लिख देंगे। Circumstances under which CEL may not be responsible to pay dividend to certain shareholders. ये भी आप मैंने पढ़ाया था। Certain shareholders को कब नहीं दे सकते, कब नहीं आप रोक सकते हैं dividend withhold or adjust, याद आ रहा है? The director of Sigma Limited wish to recommend the final dividend under the provision of the Companies Act. Advise the director about the restriction if any with regards to the declaration of dividend. Simple सा सवाल है। अब मुझसे पूछें क्या सवाल है आपको? देखो SSL FPL common management का जिक्र नहीं है, जिक्र नहीं है इसके अंदर, जरूरी नहीं है common management हो। SSL FPL associated company है क्योंकि दोनों की दोनों के अंदर वो 20% ज्यादा hold कर रहा है और उसने वन इज द सब्सिडियरी ऑफ अनदर लिखा तो था ऊपर वाली डेफिनेशन में। देखो मैं जवाब नहीं बता रहा फातिमा, पहले आप लोग सॉल्व करें अपना जहन लगाएं, फिर मैं इंशाल्लाह इसको हफ्ते को डिस्कस करूंगा। कोई सवाल है तो बच्चों पूछो जो क्वेश्चन मैंने कराए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे बच्चों पूछो। अच्छा बिकॉज इन्हें ऐसा हो गया था सर अभी तक चैप्टर लर्न नहीं किया, बुक ओपन करके सॉल्व करना है पर। बिल्कुल अभी बुक ओपन करके सॉल्व करें, क्यों, क्योंकि देखिए अभी मेरा पर्पस है आप लोगों को ड्राफ्टिंग सिखाना। याद कर लो याद हो जाएगा, याद का इतना मसला नहीं, याद हो जाएगा। पहले एक दफा चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप सामने बुक रख के सॉल्व करें, उसके बाद क्वेश्चन करने के बाद बुक को याद को बुक को या चैप्टर को याद कर लें, नॉट एन इशू। अजान हो रही है 2 मिनट ब्रेक ले लेते हैं।
जी कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा नेक्स्ट क्लास अनीला मेरी होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास अनीला इंशाल्लाह सैटरडे को होगी। जी 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 फातिमा मर्केंटाइल आऊंगे भी मैं ही पढ़ाऊंगा। अरे भाई आपको एहसास तो नहीं है ना, मर्केंटाइल लॉ भी मैं ही पढ़ाऊंगा, कोई मसला तो नहीं होगा आप लोगों को? जो मुझे पढ़ाने में तो कोई मसला नहीं है। अच्छा वाजिद भाई क्या इतना लंबा सवाल कर दिया, अगर क्वेश्चन में एक सिनारियो दें और कहें कि बताएं दो कंपनियां एसोसिएट हैं या नहीं, और एक बंदा दोनों में डायरेक्टर और दोनों में डायरेक्टर में डायरेक्टर हो, एंड फिर वो कहें कि डायरेक्टर की एक्सेप्शन बताएं कैसे ड्राफ्ट करेंगे। अरे आपका सवाल ही मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक बंदा दोनों में डायरेक्टर हो, दोनों में डायरेक्टर हो तो एसोसिएट हो गया, फिर वो कहें कि डायरेक्टरशिप की एक्सेप्शन बताएं, डायरेक्टरशिप की एक्सेप्शन क्या मतलब, डायरेक्टरशिप की एक्सेप्शन क्या होती है? थैंक यू फातिमा। डायरेक्टरशिप की एक्सेप्शन क्या होती है भाई? डायरेक्टर के चैप्टर में देखेंगे मामला। ओ वाजिब अच्छा वो एक्सेप्शन वो उसकी नहीं है, वो एक्सेप्शन तो मेरे बच्चे है उसकी है वाजिद, कि आपकी इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम, वहां उसने कहा कि आप कुछ शेयर नॉमिनी डायरेक्टर के नाम पे कर सकते हैं जो उसको जरूरत हो उनके नॉमिनी डायरेक्टर को डायरेक्टर बनने के लिए, वो है, मिक्स ना करें, मिक्स ना करें। अगर वो वाला सवाल पूछना चाहेगा वो कहीं से भी घुमाएगा, लेकिन वो पूछेगा यही कि आप बता दें कि किस केस में कंपनी को अपने नाम पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आगे किसी के नाम पे और के नाम पे कर सकते हैं। वो जो डायरेक्टर की एक्सेप्शन थोड़ी होगी, वो डायरेक्टरशिप की एक्सेप्शन थोड़ी है, वो तो आपकी इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम की एक्सेप्शन है वो, समझे बाजिद? समझे बाजिद बेटा, समझ गए? आज यार तुम लोग क्या रमजान रमजान में सो जाते हो क्या? आज काफी कम अटेंडेंस है, कल सब कह रहे थे आएंगे आएंगे आएंगे, आज आई नहीं, गायब हो गए तुम लोग, और मेरे रेगुलर स्टूडेंट गायब है यार। तो ये नहीं करो यार प्लीज, मेरे मेरी रिक्वेस्ट है छोटी सी, क्या देखिए अब तो सर्टेन है ना ये कौन से पेपर देने, तो उसमें यार अब इस तरह आपके मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर ले लूंगा या ले लूंगी, वो यार वो रिकॉर्डिंग लेक्चर में वो बात नहीं आती, वो बात नहीं आती जो लाइव में आती है। लाइफ की अलग ही बात होती है, आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, आपको नहीं एकदम से आप जस्तुजू होती है कि आप सर क्या बोलेंगे, अब इसका जवाब क्या होगा, अच्छा मैं पार्टिसिपेट करूंगा या करूंगी, वो वाली बात कभी भी ना मेरे बच्चों उसमें नहीं आती रिकॉर्डिंग में। देखिए पेपर मेरा मैं एक बार बताऊँ, ये पेपर का मिथ बहुत बनी हुई है फेल होने की, और मिथ इसी वजह से है कि बच्चों का जो थोड़ा सा होता है ना, हम लोग बार बार अपना ईजी ले लेते हैं यार, हो जाएगा हो जाएगा, जब ये पेपर रुक जाता है, पेपर तंग जो करता है वो इसी वजह से करता है ना कि इस पेपर में कुछ भी नहीं है। देखें मेरे साथ जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं, या जो मैंने सेशन लिया था रिजल्ट के बाद, मैंने शो किया था कि वाई स्टूडेंट्स फेल इन एन इजी पेपर, उसमें बहुत बहुत अच्छे मेरे पास फीडबैक आए थे बच्चों के, हमें समझ में आ गया हम क्यों फेल हो गए, हमें समझ में आ गया हम क्यों फेल हो गए। वो तो आपको वो समझ में आया ना कि सवाल आपने सही इंटरप्रेट नहीं किया, सही सवाल को पढ़ नहीं सके, सही माइंड स्केच नहीं बना सके, लेकिन वो माइंड स्केच क्यों नहीं बन सक क्यों नहीं बन पाया आपसे, आप सवाल को सही क्यों नहीं पढ़ सके, आप ड्राफ्टिंग सही क्यों नहीं कर सके, वो यही तो वजह है मेरे बच्चों के आप लोग क्लासे नहीं लेते, क्लासे ले टाइम पे अपने फ्रेंड्स को इनकरेज करें, कुछ बच्चे में बिल्कुल टाइम पे आते हैं जो आज और वो ही आज आए मेरे लाजमी, लेकिन आज दो चार बच्चे वो भी एबसेंट है जो हमेशा आते हैं और टाइम पे आते हैं। तो यार ये थोड़ा सा ख्याल करें, टाइम का ख्याल करें, आप लोग लाइव इंटरेक्टिव सेशन में आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, अब एक अगर एक वो चल रहा है और रिकॉर्डिंग चल रही है, आपका अगर कोई कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ ही नहीं सकते, अब व्हाट्सएप पर अलग से पूछेंगे उसका पूछना, हमें वो जवाब मिस हो जाए आगे पीछे हो जाए वो, और ये इसमें बहुत फर्क होता है। अरे वाजिद कोई सवाल पूछ रहा है, फॉलोइंग शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेटस ऑफ कंपनी,
अंडरटेकिंग ऑफ पर्सन एज एन एसोसिएट कंपनी वाला पैराग्राफ सही है, ये वाला पैराग्राफ फॉलोइंग शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेटस ऑफ अ कंपनी अंडरटेकिंग एज एन एसोसिएट कंपनी अंडरटेकिंग। हाँ ना, इसमें 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 वाजिद वही वाला जवाब लगेगा। देखो मैं वही है ना, मैं सवाल सॉल्व नहीं कहना चाह रहा वाजिद, आप सवाल के सोल्यूशन की तरफ जा रहे हो। मैं चाह रहा हूँ कि पहले आप लोग कुछ सॉल्व करो, मैं जानबूझ के ही जा रहा, आपने सवाल का सोल्यूशन दे दिया मुझे, मैं सवाल के सोल्यूशन पर नहीं जा रहा। हाँ जी जी अहमद बोले, कुछ पूछना है अहमद आपको? अच्छा अहमद के, अहमद खान है आप, आपका पूरा नाम क्या है? अहमद, अहमद खान है आप? अरे ऊपर क्वेश्चन किया आपने, एक मिनट में देखता हूँ कहाँ है अहमद, आपका सवाल मुझे मुझे मिल नहीं रहा। अच्छा जहाँ अहमद में सवाल मिल गया आपका, अच्छा मैं ना वैसे क्वेश्चन जहाँ जहाँ मुझे अपने बने हुए होते ना वो मैं करवा भी देता हूँ, जैसे मैंने चैप्टर वन में कराया था, चैप्टर टू में कराया था, जहाँ मुझे लगता है कि यार यहाँ आई के अपने उस तरह का सवाल नहीं पूछा हुआ तो मैं करवा देता हूँ, मैं करवा देता हूँ। या मैं आप लोगों को वैसे पॉसिबल सिनेरियोज बता देता हूँ, देखो इसमें ये भी पूछ सकता है, ये यूँ पूछ सकता है, ये यूँ पूछ सकता है, तो बेहतर होता है कि आप अपने रजिस्टर भी सामने रखा करें, और कोई 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 बाकायदा प्रॉपर क्वेश्चन होगा तो मैं उसको बाकायदा बिल्कुल ड्राफ्ट करके करवाऊंगा। अहमद आपका क्वेश्चन एंटरटेन हो गया? आपका पूरा नाम क्या है अहमद? हाँ तो मेरे बच्चों नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा ख्याल रखिए, सब बच्चे टाइम पे हैं, टाइम पे डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास है। रमजान जी ऐसे मैंने क्लासेस बड़ी करी ही नहीं, डेढ़ घंटे की क्लास है तो इसमें भी मैं डेढ़ घंटे में खत्म नहीं कर देता हूँ, देखा होगा सवा चाहे शुरू डेढ़ घंटे से पहले खत्म कर देता हूँ यार, तो मेरे लिए बोलना मुश्किल होता है। अच्छा बच्चों एक आखिरी चीज़, जिन जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई वो करा लें, ये फीस वजह से आप बाद में दे दें, फीस एक हफ्ते बाद दे दें, दस दिन बाद दे दें, फीस इज नॉट एन इशू, रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। क्योंकि देखो फिर ना मुझे ना मेकअप क्लास रखवानी है उन बच्चों के लिए जिनका कोर्स निकला है, जो रिजल्ट के बाद ज्वाइन किए, और सेकंड फिर हम उसको जून के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में हम इंशाल्लाह बुक भी दे देंगे, तो हो सकता है कोरियर करवा दें या जिस तरह भी हम उसको करें, या देखते मैं सर से डिस्कस करूंगा, सर किस तरह चाह रहे हैं, मेरे खाते मोस्ट प्रॉब्ली शायद वो कोरियर का बोले, अगर कोरियर का नहीं बोलते तो फिर हम शॉर्ट में शेयर कर लेंगे, तो वो चीज़ भी हमें करनी है, तो पता चलेगा तो मुझे अब देखो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे, देर से कराते या नहीं कराते, तो फिर जब मैं सेशन कैसे रख पाऊंगा, मुझे पता ही नहीं है कि अपने एकदम से मैं सेशन रख दूँ उसके बाद दो बच्चे आ जाएंगे सर हमें भी ज्वाइन करने, फिर कैसे मैं बार बार तो नहीं करा पाऊंगा ना बच्चों, तो काइंडली एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करा दें ताकि हमारे पास इनरोल हो जाए, हमें पता हो जाए कि यार ये बच्चा है, ये इसका मोबाइल नंबर है, ये इसका नाम है, ये कोर्स ले रहा है, चाहे कोई भी सेशन हो कुछ भी हम करवा लें। तो मेरे बच्चों जिन जिन ने अभी नहीं कराई है, अभी प्लीज छोटा सा फॉर्म है वो करवा दें आप लोग, भर दें, फिर इंशाल्लाह इसको हफ्ते से पहले पहले भर दें, क्योंकि आज ही भर दें, हफ्ते से पहले पहले भर दें, ताकि फिर इंशाल्लाह ईद के, देखो बच्चों फौरन बाद ना मुझे दो क्लासेस चाहिए बड़ी बड़ी, तीन तीन चार चार घंटे की चाहिए, जिसमें मुझे जो चैप्टर निकल गए उनको कवर कराना है, चार चार घंटे की मुझे दो क्लासेस चाहिए, तो मुझे मेकअप क्लास रखनी है, तो फिर वो जो उसके बाद में किसी बच्चे को एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा, पहले से फिर एक दो बच्चों के लिए कराऊँ, तो प्लीज़ मेरे बच्चों इट्स हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि आप लोग प्लीज़ जिन जिन्होंने नहीं किए आज वो जाएं, अभी क्लास के बाद मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, असर की नमाज़ पढ़ें, असर की नमाज के बाद उसको प्लीज़ कर दें, फॉर्म को छोटा सा फॉर्म है उसमें भर दें, कुछ नहीं सिर्फ नाम है और छोटी मोटी चीज़ें आप लोगों की नंबर वगैरह भर दें, ताकि फिर हम आप लोगों के कॉन्टैक्ट में हमारे पास आ जाएँ, ताकि फिर हो सकता है हम आगे की क्लासेस जून में ईद के बाद हम मैसेज भी चलाएं आप लोगों को क्लास का, मैसेज के जरिए भी इन्फॉर्म करा करेंगे, तो प्लीज़ यार फिर आप लोग इनरोल नहीं होंगे तो यार आप लोगों का अपना भी नुकसान है, मुझे भी अच्छा ही लगेगा कि यार किसी बच्चे की क्लास मिस हो जाए, सही है? सही मेरे बच्चों कर रहे हैं फिर सारे फिजिकल क्लासेस का, देखो अहमद यूसुफ अभी कुछ कह नहीं सकते, सारी यूनिवर्सिटीज 15 तारीख तक तो बंद है, और हमारा कोर्स मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा अगस्त के फर्स्ट वीक, अगस्त के 10th तक, देखते हैं अगर फिजिकल का अगर कुछ, अगर फिजिकल पे अगर हम गए भी तो वो बच्चे जो हमारे कराची से बाहर हैं उनके तो हम इस पर कोर्स कम्प्लीट कराएंगे, हम ऐसा नहीं कि उनको छोड़ लिया जाएगा,
फिजिकल मुश्किल लग रहा है अभी कंसीडरिंग द सिचुएशन, और क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटीज खोल नहीं रही है, तो आईकेएफ भी हरकत कर नहीं सकता, खोल नहीं सकता। 15 या 20 जुलाई को खोलने का कोई फायदा नहीं होगा, 10 दिन के लिए फिजिकल क्या रखेंगे हम। तो बच्चे तुम तो कराची से बाहर पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल बेफिक्र रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपका कोर्स बीच से छोड़ दिया जाएगा, आपका पूरा कोर्स इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कम्प्लीट किया जाएगा। तो ये मेरे बच्चों रिक्वेस्ट है मेरी कि अगेन मैं कह रहा हूँ कि उसको भर दें, ताकि फिर हम लोग पता चल जाए क्लासों के मैसेज भी आप लोगों को टाइम पे आना शुरू हो जाए, और दूसरा ये कि मेकअप क्लास जो है उसमें भी मुझे पता चल जाए कि यार बच्चे बस फाइनल हैं यही लोग हैं हमारे पास, ताकि मैं मेकअप क्लास भी ईद के फौरन बाद में रख लूँगा। सही है, तो साइन ऑफ करते हैं, अल्लाह हाफिज़ बच्चों। और सवाल सबने सॉल्व करने, जो कल को पूरा दिन है सॉल्व करें, 3-4 सवाल तो कम से कम करें, फिर इंशाल्लाह मंगल और हफ्ते को हमारी क्लास होगी, मोस्ट प्रोबेबली 12 से 2 होगी, उसमें मैं डिस्कस करूंगा इसके सॉल्यूशन। सही है मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।